तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो जावा डेवलपर होते हैं उसमें फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट होता है, तो उसके लिए कौन कौन सी लैंग्वेजेस आनी आपको मस्ट है, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको इनिशियल आनी ही चाहिए इस फील्ड में जाने के लिए। तो दोस्तों प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ बताया था कि फ्रंट एंड डेवलपर्स क्या होते हैं और बैक एंड डेवलपर्स क्या होते हैं। आज इसमें बात करते हैं थोड़ी कोडिंग के बारे में या थोड़ी लैंग्वेज के बारे में कि कौन कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए। कि जैसा कि दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आप बताया था कि आपके पास तीन मेजर लैंग्वेज होनी चाहिए। अभी मैं बात कर रहा हूँ फ्रंट एंड डेवलपर्स की। तीन मेजर लैंग्वेज उसमें होती हैं, जिसमें पहली होती है HTML, दूसरी होती है CSS, तीसरी होती है JavaScript। अगर ये तीन लैंग्वेज आपको आती हैं तो आप फ्रंट एंड जावा डेवलपर्स बन सकते हो या उस फील्ड में आप जा सकते हो। आप जानते हैं दोस्तों HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये जो दोस्तों लैंग्वेज है ये यूज करी जाती है वर्ड बाय वेब, या जो 3W होते हैं ना, जब भी हम कोई वेबसाइट सर्च करते हैं www.https://। तो दोस्तों अगर मेनली कहें जो HTML का पार्ट होता है वो कंटेंट एंड टैक्स के लिए यूज करते हैं, जो कि प्रॉपर डिस्प्ले हो वेबसाइट पे। आप समझ ही रहोगे कि मतलब वहाँ पे कंटेंट जो टाइप करते हैं क्या लिखा हुआ है, तो उसके लिए हम वहाँ पे यूज़ करते हैं HTML लैंग्वेज के लिए, जो वेबसाइट का कंटेंट होता है। एंड दोस्तों जो सेकेंड है CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट, मतलब इसके नाम से ही समझ में आता है वहाँ पे कि वेबसाइट पे जो स्टाइलिंग होती है उसके लिए हम CSS लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। जो ये लैंग्वेज है CSS, ये वेब डिजाइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। जो डिजाइनिंग का पार्ट होता है वहाँ पे CSS लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, कोई सी भी वेबसाइट हो। एंड दोस्तों जो थर्ड है JavaScript। अब JavaScript क्या है कि जो JavaScript लैंग्वेज है ये मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स एक लैंग्वेज है, एंड ये सपोर्ट करती है न्यूमेरियस ब्राउजर को। एंड बेसिकली जो इसका यूज होता है वो यूजर का इंटरेक्शन वेबसाइट के साथ कैसे होगा, वहाँ पे जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। मतलब कि जो यूजर का इंटरेक्शन होता है वेबसाइट के साथ उसका इन्हेंसमेंट होता है वो काफ़ी बेटर देता है, इसलिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। अब दोस्तों जंप करते हैं बैक एंड डेवलपर्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में या टेक्नोलॉजीज के बारे में कि क्या क्या आपको सीखना चाहिए अगर आपको बैक एंड में जाना है। तो बेसिकली दोस्तों बैक एंड डेवलपमेंट के लिए आपको चार लैंग्वेज या चार टेक्नोलॉजीज आपको आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक इनिशियल स्टार्टअप के लिए या इनिशियल जॉब के लिए, जिसमें पहला आता है वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज, दूसरा आता है डेटाबेस एंड कैसे, एंड तीसरा है सर्वर, एंड चौथा है API। तो इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे कि बेसिकली ये लैंग्वेजेस होती क्या हैं। एंड दोस्तों जिसमें पहली बात करते हैं, जो मैंने पहले पॉइंट आपको बताया वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज, जिसमें आपकी PHP हो गई, C हो गई, C++ हो गई, जावा हो गई, ये आपको नॉलेज होना चाहिए अगर आप बैकएंड डेवलपमेंट में जाना चाहते हो। इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ सकते हो गूगल पे, या हो सकता है मैं कभी कमिंग वीडियोस में आपको इसके बारे में बताऊं, PHP, जावा, C++ लैंग्वेज के बारे में। जंप करते हैं जो दूसरा मैंने आपको बताया डेटाबेस एंड कैसे। दोस्तों एक जावा होती है, नोड JSS होती है, पाइथन और SAS, ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो आपको जावा बैकएंड डेवलपमेंट के लिए सीखनी पड़ेंगी। चार पांच से छह कुछ लैंग्वेज जो मैंने आपको बताई वो आपको आनी चाहिए। एंड दोस्तों जंप करते हैं डेटाबेस एंड कैसे की तरफ, जो मैंने आपको सेकेंड पॉइंट बताया था कि जो आपको आना चाहिए। तो बेसिकली डेटाबेस एंड कैसे में आपका आ जाता है MySQL, SQL सर्वर, MongoDB, ये कुछ डेटाबेस की टेक्नोलॉजीज होती हैं जो आपको डेटाबेस एंड कैसे में सीखना पड़ेगा। एक तरीके से मतलब आपको वेरियस बहुत सारी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टेक्नोलॉजी आपको वहाँ पे मिल जाती हैं, जो मैंने आपको तीन बताई इनमें से आपको कोई ना कोई सीखना पड़ेगा। आप जंप करते हैं तीसरे लैंग्वेज की तरफ सर्वर्स, तो एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्वर में। बेसिकली एक होता है अपाचे जो आपको आना ही चाहिए, एंड जो सेकेंड सर्वर होता है अपना IIS सर्वर और माइक्रोसॉफ्ट IIS का सर्वर, एंड जिसमें मेन इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लिनक्स। अगर आपको लिनक्स आता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के लिए काफ़ी हेल्प करने वाला है, तो ये बैकएंड के लिए भी जरूरी। अब बात करते हैं API के बारे में, REST एंड SOAP। तो बेसिकली API को अगर मैं सीधी सी लैंग्वेज में बोलूँ तो ये एप्लीकेशन को कम्युनिकेट कराने के काम आती है। तो बेसिकली इसको यूज़ करते हैं अपन क्रिएशन एंड कंजप्शन ऑफ REST एंड SOAP। इसकी जो REST एंड SOAP सर्विस होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आप जब भी कोई API पढ़ते हो। तो बस यार दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अभी हम लोग ने सीखा कि फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर्स के लिए आपको कौन कौन सी
कोडिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, वो मैंने आपको बता दी पहले वीडियो में बताया था कि डेवलपमेंट पार्ट क्या होता है फ्रंट एंड एंड बैक एंड। एंड नेक्स्ट वीडियो सीरीज में हम ये सीखेंगे कि इसके जो की डिफरेंस होते हैं, जो मेनली डिफरेंस होते हैं बैक एंड डेवलपमेंट के और फ्रंट एंड डेवलपमेंट के, वो क्या होते हैं वो हम सब थोड़ा सा डिटेल में सीखेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप वो देख सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।